कई लोग तो भगवान को उसकी शक्ति को भी नीचा दिखाना चाहते हैं, कई तो मालिक को अपराधी समझकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करने का अपराध तक कर देते हैं। उन सभी में भक्त पुंडलिक जैसी भक्ति और भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम। पुणि थरे आपण मानको स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबांको कृपा रु निश्चित भाबरे भलो उसुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल ले वीडियो टी देखुछंती तबे दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को गोटिए लाइक करी दियंतु, फलरे एही भली भलो भलो विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। जय श्री साई। जेपरी आपण माने जानंती सप्ताहर आरंभ एवं शेष अर्थात सोमवार एवं शनिवार संध्या सातटा रे श्री साई संदेश रो एक नुआ अध्याय सुनिवार समय, आउ सही क्रम रे आज आसंतु सुनिवा श्री साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश। ओम साईराम। श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। तुम्हें वो कहानी याद है, एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो शिष्य जंगल में गया। जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। हाँ, जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप, मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, वो भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए वत्स। तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए। श्रद्धा, शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं, श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। श्रद्धा और सबरी। जब हम अपने मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। मैं हर किसी में हूं महालसापति, मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है,
कोई नाता, कोई रिश्ता बड़ा नहीं है पैसे से। पैसा भगवान से भी बड़ा है यहाँ। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है। लेकिन इंसान की यही धारणा कि पैसा ही सब कुछ है, गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देकर भी उसका दिल नहीं पसीजता? इंसान इंसान क्यों ये भूल जाता है कि भक्ति जगत नारायण की करनी चाहिए, नगद नारायण की नहीं? जब तक इंसान पैसों की मोह माया की भूल भुलैयों में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैसा साधन है सुख हासिल करने का, लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। कई लोग तो भगवान को, उसकी शक्ति को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। कई तो मालिक को अपराधी समझकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करने का अपराध तक कर देते हैं। उन सभी में भक्त पुंडलिक जैसी भक्ति और भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को अपना गुरु मानते थे। एक दिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे कि भगवान पुंडलीनाथ विट्ठल पुंडरपुर में पुंडलिक के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। भक्त पुंडलिक ने विठोबा से कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब तक उन्हें आराम नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तब तक इसी ईंट पर खड़े रहो। और विठोबा मान गए। आज भी पंडरपुर में विठोबा दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े हैं। सबका मालिक।